अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ गुल्लड़ कबाब की रेसिपी। ये बिहार में बनता है और बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है हमारे घर में। इसे दावतों के मेनू में जरूर शामिल किया जाता है। गुल्लड़ कबाब अगर आप भी बनाएंगे तो आपको भी पसंद आएगा। पुलाव, बिरयानी, चावल, नान के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुकर को चूल्हा पे रख लेंगे और गुल्लड़ कबाब बनाने के लिए गोश्त लिया है आधा किलो, इसे हम कुकर में शामिल कर लेंगे। अब आधा किलो गोश्त में हम आधा पाव चना का दाल ऐड करेंगे अच्छे से वॉश करके। और अब हम ले लेंगे साबुत गरम मसाला या खड़े मसाला कह लीजिए, दो तेज पत्ता, 5 से 6 लाल सूखी मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 दालचीनी, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, 4 से 5 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 जावित्री और आधी छोटी चम्मच साबुत धनिया और शाहजीरा आधी छोटी चम्मच, सभी को शामिल कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर ले लेंगे लहसुन 10 से 12 कलियां और अदरक का एक टुकड़ा लिया है। अदरक को थोड़ा बारीक कट करके ऐड करेंगे ताकि अच्छे से गले। लाल सूखी मिर्च कुटा हुआ ऐड किया है 1 छोटी चम्मच एक्स्ट्रा तीखा बढ़ाने के लिए। अब 1.5 छोटी चम्मच हम नमक ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक शामिल कर लेना है यहाँ पे। और अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे, 2 प्याला पानी, जिस प्याले से हमने चना का दाल ऐड किया था उसी प्याले से 2 प्याला भर के पानी ऐड कर लेना है। अब हम अच्छे से गोश्त को सभी मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अब हम कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और सीटी लगाकर गोश्त को गला लेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 से 6 सीटी लगा लिया है और गोश्त काफी अच्छे से गल चुका है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं चना का दाल, गोश्त और तमाम मसाले अच्छे से गल चुके हैं। आपको तोड़कर भी दिखाते हैं तो देख सकते हैं गोश्त अच्छे से टूट रहा है, मतलब गोश्त, चना दाल सब कुछ अच्छे से गल चुका है। अब हम यहाँ पर चॉपर मशीन ले लेंगे। आप इसकी जगह पर मिक्सर मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्सर जार में भी इसे शामिल करके पीस सकते हैं। तो सभी गोश्त चना दाल को ऐड करके यहाँ पर पीस लेना है। अगर यहाँ पर आपको पानी कम लगे, थोड़ा सा दरदरा टाइप लग रहा हो तो थोड़ा पानी शामिल कर लीजिए पीसते वक्त और फिर से पीस लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छे से पीस चुका है। आप देख सकते हैं रेशादार भी है और अच्छे से इसकी बाइंडिंग भी आ रही है, इसका मतलब ये गुल्लड़ कबाब बनने के लिए पूरे तरीके से रेडी है। तो चलिए अब हम इसे एक प्याले में निकाल लेंगे। सभी गोश्त के कीमा को हमने एक प्याले में निकाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर लेंगे, हल्का सा मिठास आएगा और बाकी आपको बहुत ही तीखा भी लगेगा। और अब हम इसमें किशमिश ऐड कर लेंगे, 5 से 6 बारीक बारीक कट कर लिया है, पोस्ता दाना लिया है जिसे आप खसखस भी कहते हैं, 1 चम्मच के बराबर, सभी को शामिल कर लेंगे। अब इन सब चीजों के साथ हम कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काफी अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, आप देख सकते हैं ये हमारा गुल्लड़ कबाब बनने के लिए अच्छे से तैयार हो चुका है। अब थोड़ा कीमा को हाथ में लेंगे और लड्डू का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर एक मैंने आपको रेडी करके दिखा दिया है, बस इसी तरीके से तमाम कीमा को गुल्लड़ कबाब का शेप दे देना है और पोस्ता दाना में इसे लपेट देना है। तो देख सकते हैं एक मैंने इस तरीके से रेडी किया है, बाकी को भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। बस इसमें चना दाल और गोश्त की जो क्वांटिटी है बस इसी तरीके का होना चाहिए, ज्यादा है तो उसके हिसाब से चना दाल ऐड कीजिएगा तो आपका भी जो गुल्लड़ कबाब है बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी गुल्लड़ कबाब के हमने गोलियां बना के तैयार कर लिया है। अब हमने पैन में तेल को गर्म कर लिया है। चलिए एक एक गुल्लड़ कबाब को शामिल करेंगे और फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं ज्यादा तेल नहीं शामिल किया है। आप सरसों के तेल के जगह पे रिफाइंड का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तेल में बनाइएगा तो गुल्लड़ कबाब हमारा बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो बस आप देख सकते हैं हल्का हल्का ब्राउन कलर आने लगा है, तो हमने पलटना शुरू कर दिया है। बस याद रखिएगा कि मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हमें उलट पुलट करना है ताकि अच्छे से हमारा जो गुल्लड़ कबाब है रेडी हो जाए। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं गुल्लड़ कबाब का कलर कितना जबरदस्त सा आ चुका है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर। अब एक एक करके हम सभी गुल्लड़ कबाब को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी गुल्लड़ कबाब हमारा अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त रेसिपी है और कितना आसान है इसे बनाना। तो देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना जबरदस्त है, अमेजिंग रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा।
तो तोड़ कर दिखाते हैं आपको। देखिए कितना रेशा रेशा नजर आ रहा है, खाने में भी लाजवाब। रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को थम्स अप करें, चैनल को सब्सक्राइब। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।